नमस्कार, डायनेमिक मेमोरी की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। डायलिसिस टब, ये जो हमारा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को किस तरह से आप अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, खरीदने के बाद कैसे इसको अनबॉक्स करेंगे, और अनबॉक्स करने से पहले एक दो बातों का जो ध्यान रखना है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। नंबर एक, एक सीजर ऐसी चीज़ या कोई है ना, इसको अनबॉक्स करने के लिए टेप लगे होंगे कई जगह पे, तो आपको इस तरह की कुछ चीज़ें चाहिएंगी, ये साथ रखिएगा। दूसरी बात, जब ये खुलेगा तो इसकी डायमेंशन होगी 30 इंचेस बाय 60 इंचेस, 30 इंच बाय 60 इंच। तो ये स्पेस आपको ध्यान में रखना है, इतना या इससे थोड़ा ज़्यादा स्पेस आपके पास हो जहाँ पे आप इसको इंस्टॉल करेंगे। नंबर दो, आपके पास कोई इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जहाँ पे पावर कनेक्शन आपको मिले, तो उस बोर्ड स्विच के पास नज़दीक आपको इसको इंस्टॉल करना होगा। नंबर तीन, जैसे बाथरूम में अक्सर हमारे गीज़र की फिटिंग होती है, या शायद कभी किचन, जो भी है आपका कोई ऐसा स्पेस जहाँ पे कि गीज़र से आप एक पाइप ला सकें और इसमें उसका इस्तेमाल कर सकें, इनपुट दे सकें, पानी भर सकें गीज़र से, तो वो अगर आप कर पाएंगे तो बेहतर रहेगा। तो इन दो तीन बातों का ख्याल रखते हुए आइए शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। ओके, इसकी अनबॉक्सिंग में सबसे पहला स्टेप है, ये जिपर को हम ओपन करेंगे और कैंची काम आएगी, सीजर। इस पे टेप लगा हुआ है और बबल रैप है जिसको हम ओपन करेंगे। इसमें आपको कुछ अलग अलग सेपरेट एलिमेंट्स मिलेंगे जो कि फाइनली हम असेंबल करेंगे, तो अभी हम देखेंगे उनको वो किस तरह से हैं और हमें कैसे असेंबल करना है। ये दो आपको अभी दिख रहे हैं, इनका क्या होगा अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये 6 पाइप्स हैं, 6 पाइप्स आपको इस तरह से अलग से पैक्ड मिलेंगे। इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 एक तरह के हैं, जिसमें कि दोनों एंड पे ये राइट एंगल पे जुड़े हुए हैं। 2 पाइप्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल प्लेन हैं, ये 2 पाइप्स बिल्कुल प्लेन हैं, और 2 पाइप्स ऐसे हैं जो कि एक साइड से कुछ अटैचमेंट नहीं है लेकिन दूसरे एंड पे आप देखेंगे दे आर सिमिलर। तो ये टोटल 6 पाइप्स हैं हमारे, 2 एक जैसे, 2 एक जैसे, 2 एक जैसे। जो ये हमारा स्ट्रक्चर है जो कि एक्सपैंड हो जाता है, इस स्ट्रक्चर में सबसे पहली चीज़ है कि हमें देखना है जो चेन है, आपको इसमें एक चेन पड़ी हुई दिखाई देगी, और वो चेन जब बॉटम पे होती है दैट डिपिक्ट्स द बॉटम, उससे हमें उसका बॉटम समझ में आएगा। अभी मैंने इसको ऑपोजिट लिफ्ट कर रखा था, इट शुड बी लाइक दिस, द चेन हैज टू बी एट द बॉटम, ठीक है। सो दिस इज क्लियर, ये ऊपर नहीं आएगी, एक ही एंड पे रहेगी, तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी कि इसमें टॉप कौन सा है और बॉटम कौन सा है, वेरी इजीली नाउ वी कैन एक्सपैंड इट। इससे एक्सपैंड करने से पहले हम इसकी पोजीशन थोड़ी सी एडजस्ट कर लेते हैं। अभी इसमें हमारे पैकेट में कुछ और एलिमेंट्स भी हैं, आपको दिखाना चाहेंगे। दिस इज बाथ टब जिसको अभी हम खोल के इसमें फिट करेंगे, आप देखेंगे किस तरह से ये फिट होता है। ये है हमारा बाथ टब, ये है एक हमारा पैनल जिसकी मदद से हम कुछ इलेक्ट्रिसिटी इक्विपमेंट्स इसके साथ अटैच करेंगे, तो अभी आप ये भी देखेंगे किस तरह से ये अटैच होगा।
एक पैनल ये है, यू विल सी इसमें किस तरह से हम अपने टैबलेट या मोबाइल फोन को रख सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड दिस वन, सो अभी इन सब चीज़ों को किस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये एक पैकेट है इस पैकेट के अंदर जैसे कि मैंने कहा कुछ इलेक्ट्रिकल यू नो अप्लायंसेस होंगे जो हम साथ में इस्तेमाल करेंगे तो उनको कनेक्ट करने के लिए कुछ चीज़ें हैं। तो अभी आप इसको देखेंगे किस तरह से हम इन सब चीज़ों को एक साथ जोड़ते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर एक्सपैंड हो गया है और जैसे कि आपसे पहले शेयर कर रहा था इसकी डायमेंशन है 30 inches by 60 inches, तो इतना स्पेस हमें चाहिए है ना। एक प्लग साथ हो, एक गीजर का कनेक्शन हमारे पास रहे। ये जो 6 पाइप्स निकले थे हमारे, दो एक जैसे, इनको अब हम कनेक्ट करेंगे और इसके ऊपर पहना देंगे। और इसके आपको अगर वाइड शॉट में समझ में नहीं आ रहा होगा तो चिंता मत कीजिएगा, घबराइएगा नहीं, आपको क्लोज शॉट भी मिलेगा हमारे एडिटिंग में, तो यू कैन सी हाउ इट गोज। ये पाइप्स इसी तरह से बने हैं कि बहुत इजीली आप एक दूसरे के अंदर इसको इंसर्ट कर सकते हैं। एंड देन इस स्ट्रक्चर के अंदर जो ये होल्स हैं, इन होल में आप इनको बैठा सकते हैं। सो ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा जो बाथ टब है। दिस इज़ आवर बाथ टब, सो नाउ वी आर गोइंग टू ओपन दिस बाथ टब। अगेन ये सीजर बहुत काम आएगा, हो सके तो चाकू या कटर या ब्लेड जैसी चीज़ इस्तेमाल ना करें, है ना, क्योंकि कहीं वो गलत लग गया और नुकसान कर दिया तो फिर वो कठिन हो जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा ध्यान से हम इसको, ये इस तरह से फोल्डेबल बाथ टब है जिसमें आप पानी भर सकते हैं, वो लीक नहीं होगा, वो बहुत आराम से इसके अंदर रहेगा। और इसके एजेस को अगर आप ध्यान से देखेंगे, देर इज स्पेस टू इंसर्ट दीज पाइप्स, इन पाइप्स को आप इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। एंड दिस इज द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू, अभी हम इस स्ट्रक्चर के पाइप्स को इसमें इंसर्ट करेंगे। सो यू विल गेट अ क्लोज वॉच। देखिए ये हमने इसमें ऐसे पहना दिया। एंड नाउ अब जब हम इसको स्टैंड पे रखेंगे तो ये सारा वजन जो पानी का है या इस बाथ टब का है वो पूरा वेट इन पाइप्स के ऊपर आएगा और ये स्ट्रक्चर और स्ट्रांग हो जाएगा, ये दाएं बाएं हिलेगा नहीं। ये हमने इन पाइप्स में 6 पाइप्स जो थे उनके अंदर हमने इस स्ट्रक्चर को, बाथ टब को, फोल्डेबल बाथ टब को हमने इस तरह से पहना दिया। नाउ जो असेंबलीज हमने अभी पैकिंग में से निकाली थी, एक ये असेंबली है जिसमें आप ध्यान से देखेंगे तो ये दो आपको स्क्रूज दिखाई देंगे। इसमें यहाँ आप देखेंगे इनकी फिटिंग के लिए, एक सेकेंड, इन स्क्रूज की मदद से हम इस पे गीजर टांगने वाले। ओके, यहाँ पे हमारा एक गीजर इंस्टॉल होगा, इंस्टेंट गीजर,
जो कि किसी भी अच्छी कंपनी का, जो रिलायबल हो, कुछ अच्छी वारंटी हो, आप ऐसा परचेज कीजिएगा। हमारा जो है, हम आपसे शेयर करते हैं एक प्लास, एक स्क्रू ड्राइवर, ये कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बहुत मदद करेंगी इसको इंस्टॉल करने में। कि ये जो दो स्क्रूज थे, उन दो स्क्रूज के ऊपर आपका गीज़र बहुत इजीली, कंफर्टेबली इंस्टॉल हो जाएगा, जो पीछे सॉकेट होता है वहाँ पे। ओके, नेक्स्ट इज, ये हमारे एक असेंबली है। इन दो, थोड़ा सा ये यू शेप जो आपने बेंड वाले पाइप्स देखे हैं हमारे, इसमें आपको ये एक स्क्रू दिखेगा विद अ बिग हैंडल, जिसको आप टाइट कर सकते हैं। सो इसके दोनों तरफ हम इन दोनों को बारी बारी टाइट कर लेंगे। जैसे ये एक हुआ है, हाँ, इसी तरह से ये हमने अभी बहुत ज़्यादा नहीं कसा है, बाकी ज़्यादा भी कस सकते हैं अगर चाहें तो, ज़रूरत पे। जिस तरह से ये आपको एक पाइप यहाँ दिख रहा है, इसमें आप ये देखिए, ये जो इसकी मूवमेंट है, दिस इज अ यूनिट जिसमें आप अपना मोबाइल फ़ोन, अपना टैबलेट या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप इसमें रखना चाहें, इस एक बैंड की मदद से आप इसमें प्लेस कर सकते हैं। आप इसको जितना अपनी ज़रूरत के हिसाब से टाइट या लूज करना चाहें, लूज कर सकते हैं स्क्रूज से। अब हम इस इलेक्ट्रिसिटी, एक पैनल है हमारा, इसको हम ओपन करेंगे सबसे पहले, फिर देखेंगे इसको हम किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। इलेक्ट्रिकल कंट्रोल यूनिट है, और इसको इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको कुछ बातें इसके रिलेटेड बता देना चाहता हूँ। हम जब इसको यूज करते हैं या फिर इसको इंस्टॉल करेंगे, उससे रिलेटेड ये ध्यान रखना है कि अगर बेहतर होगा कि अगर आपके यहाँ पर कोई अर्थिंग लगी हो। अर्थिंग हमारे ह्यूमन प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने इसमें प्रोटेक्शन का कोई ध्यान नहीं रखा गया इसलिए हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने इसमें डबल प्रोटेक्शन, ह्यूमन प्रोटेक्शन पूरी तरह से ली हुई है, और किसी भी तरह से ह्यूमन लॉस या ह्यूमन बॉडी को इससे किसी तरह का कोई नुकसान या खतरा होने की कोई संभावना नहीं है। उस चीज़ों का हमने इसमें पूरी तरह से ख्याल रखा है। उसके बावजूद भी हम रिकमेंड करना चाहेंगे कि अगर आपके घर में अर्थिंग हो तो बहुत बेहतर है। आप अर्थिंग से होगी तो ऑटोमेटिक आपकी अर्थिंग से कनेक्ट हो जाएगा। अगर आपकी जो पलक होती है, पलक में जो सबसे बड़ा पिन जो होती है किसी भी पलक में, अर्थिंग से जुड़ी हुई होती है। अगर आप लोगों ने अर्थिंग की होगी तो उसकी कनेक्शन आपकी अर्थिंग में जुड़ा होगा, और उस पलक के थ्रू इसके भी अर्थिंग से कनेक्ट हो जाएगी। ये वाला शायद ये अर्थिंग के लिए होगा। हाँ जी, ओके। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये हमारी इसकी इनपुट सप्लाई के लिए पलक है। इसमें जो ये वाला जो सबसे बड़ी पिन होती है, मोटी पिन होती है, ये नेचुरली अर्थिंग से कनेक्ट होती है। और इसमें दो पिन होती हैं, इनमें एक फेस होता है, दूसरा न्यूट्रल होता है। अब जहाँ पे भी अगर आपके पास में कोई नज़दीक कोई सॉकेट है तो वहाँ पे आप ले सकते हैं, या फिर आप कोई एक्सटेंशन बोर्ड भी इसके लिए यूज कर सकते हैं। अभी हम इस इक्विपमेंट को इस पर किस तरह से इंस्टॉल करेंगे वो आप देखेंगे। इस तरह से अंदर की साइड से इसको ऐसे निकालेंगे और इसको इस पाइप में जो यू क्लैंप्स इसमें दी हुई हैं, इन यू क्लैंप्स को इस टॉप वाले पाइप में हमें फंसाना है और इसको थोड़ा सा पुश कर देना है और ये इसके ऊपर बैठ जाएगा। अभी एकदम से ये इजीली इसके ऊपर बैठा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास में ये स्क्रू हैं जो भी हमने इसमें ऊपर से खोले थे, अभी हम टॉप साइड से वही स्क्रू इसको प्रॉपर हैंडलिंग के लिए इसके ऊपर लगा देंगे। इस तरह से हमारा ये इस पर असेंबल हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है।
जो भी हमारे दोस्त ने अभी आपको कुछ अनबॉक्सिंग के टाइम पे दिखाए थे वो इसकी असेंबली है। आगे इसके अंदर एक इक्विपमेंट है हमारा जिसको हम इसके इंस्टॉल करने वाले हैं। इसके अंदर हमारे दो इक्विपमेंट निकलेंगे, एक पाइप है छोटा सा और एक हमारा एक पंप भी इसके अंदर निकलेगा जो लिक्विड को इसके अंदर मूवमेंट कराएगा, सर्कुलेट कराएगा। इसके अंदर एक छोटी सी ये काले रंग की एक रबड़ रिंग है, इसको हम इसके अंदर डाल लेंगे जो एक सीलिंग का काम करेंगे। और इस चीज को इधर से हम इस पंप में इसको इसके ऊपर इसको टाइट कर देंगे, फिक्स करना है। थोड़ा ये टाइटली जाएगा लेकिन ये इसलिए कि ताकि इससे हमारा जो वाटर है वो लीक ना हो, और ये इसके ऊपर फिक्स हो जाएगा इस तरह से। और इसका दूसरा एंड हमें हमारे जो हम लोगों ने गीजर लगाया है उस गीजर में इसको इसकी इनपुट साइड में ये देखिए इनपुट पे हमने इसको यहाँ पर टाइट कर देंगे गीजर के इनपुट में। ये नॉर्मली गीजर में आता भी है और कहीं में नहीं भी आता है, तो आप मार्केट से इस तरह का एक ये सॉकेट ले सकते हैं। इसको कई लोग रिड्यूसर भी कहते हैं, और ये एक आप आधे इंच का पाइप है उस पाइप पे इसको इस तरह से लगाइए और इसका जो आउटलेट है उसमें इसको आराम से बहुत इजीली ये टाइट हो जाता है और आप टाइट कर सकते हैं। ये गीजर के साथ ही आपको वहीं से या हार्डवेयर से ये चीज़ आपको मिल जाएगी। इस तरह से हमने इसको इसके ऊपर लगा दिया है, पाइप ये इसके अंदर ही छूट जाएगा। और ये जो हमने मोटर लगाई थी इसके अंदर, ये हमारा पंप जो लग रहा है, इस पंप को इस पैनल के अंदर एक सॉकेट जो लगा हुआ है उस सॉकेट के साथ में दूसरे सॉकेट को हमें कनेक्ट कर देना है जिससे सप्लाई का सर्किट इसका पूरा हो जाएगा। और अपना अभी गीजर का जो हमारा गीजर लगा हुआ है, गीजर का एक प्लग है, इस प्लग को इस पैनल के साइड में यहाँ पे सॉकेट्स लगे हुए हैं उन सॉकेट्स में इंसर्ट कर देना। इस तरह से इसका सर्किट पूरा हो जाएगा और हमारा जो पैनल है इस पैनल को जो पावर कनेक्शन था जिसकी हमने सबसे पहले जिक्र किया था, ये प्लग हमारा अभी हम ये एक्सटेंशन यूज कर रहे हैं, आप भी एक्सटेंशन भी यूज कर सकते हैं और कोई प्लग हो तो आप सीधा प्लग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार करके हमने बाथटब इसमें पहना दिया है, उसके बाद ये गीजर हमने इसमें इंस्टॉल कर दिया है और ये इलेक्ट्रिक पैनल हमने इसमें इंस्टॉल कर दिया है, अब इन चीजों को किस तरह से हमने इस्तेमाल करना है वो थोड़ा सर बताइए। अभी जैसे सर हमारे दोस्त ने आपको बताया कि हमने सारी चीज़ें पूरा असेंबल कर लिया है इस पूरे इक्विपमेंट को, डायलिसिस टब को। अब हमें सबसे पहले इंश्योर करना है कि हमारे ये जो इसके पाइप लगे हुए हैं ये पूरी तरह से सही ढंग से टाइट हों, लगे हुए हों, पूरा इसमें करीब 1.5 फुट पानी भरा हो। उसके बाद में हमारा ये जो यहाँ पे देखिए ये कि सेंसिंग इक्विपमेंट है, सेंसर है ये, इसको हमें खोलना है और खोल के इसके अंदर नीचे छोड़ देना है जो हमारे सारे पानी को सेंस करता रहेगा और नीचे ये नीचे इसमें चला जाएगा इस तरह से। ये हमारा वाटर पंप है जो हम इसमें यूज कर रहे हैं। अभी हम आपको बताने वाले हैं कि इस वाटर पंप को हमारी इस कंट्रोलिंग यूनिट के साथ में कैसे जोड़ना है। वाटर पंप है और ये इसकी वायर है, वायर में जुड़े हुए कनेक्टर्स हैं इसके। अभी हमने अपना वाटर पंप
अंदर पानी में छोड़ दिया है और कहीं से भी इसको यहाँ से हमने तार वापस ले ली है और ये मेरी कंट्रोलिंग यूनिट के तार निकल रही हैं। ये वायर्स हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वायर लगी हुई है, सिंपल वायर है, कुछ नहीं करना है। ये इधर से हमको इन इसके ऊपर एक कनेक्टर की ये जिधर भी तार लगानी है उधर से इसको प्रेस करना है। मैंने बड़ी आसानी से इसको प्रेस किया और तार को इसके अंदर इंसर्ट कर दिया, घुसा दिया, इसको प्रेस किया और ये इसके अंदर घुस गई था। अब सेम इसी प्रोसेस से दूसरी तार को इसको उसी साइड से, ये दोनों साइड इधर से प्रेस करेंगे तो इधर की तार निकल जाएगी या अंदर कर सकते हैं उसको, इंसर्ट भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। सेम हमने इस कनेक्टर का दूसरी साइड प्रेस किया जिधर की तार अंदर कर रहे हैं, ये तार इसके अंदर बैठा दी और अब ये इसके अंदर जुड़ गई। इसका मतलब ये पूरी तरह से, ये देखो कोई तार नहीं निकल पा रही, खिंच गई है पूरी तरह से, ये इसको पकड़ लिया इस कनेक्टर ने। और अगर वापस निकालनी है कभी हमें ज़रूरत पड़ती है, सिर्फ सिंपली इसको प्रेस करो ये तार बाहर, फिर दोबारा से हम इसी साइड से जिस साइड का भी प्रेस करना है, इधर की प्रेस करनी है तो ये तार निकल जाएगी, ये अंदर हो जाएगी। सेम इसको यहाँ से हमने प्रेस किया, वापस तार को इसी में कर दिया। अब मेरा मोटर का सर्किट यहाँ से पूरा हो जाता है। और इसमें बिल्कुल आपको एक और चीज़ मैं बता दूँ, इस सप्लाई से डरने की ज़रूरत नहीं है, इसमें डीसी 12 वोल्ट है जिससे हमें झटका लगने की कोई संभावना नहीं है। अब हमारी बारी आती है इस इक्विपमेंट को स्टार्ट करने की, चालू करने की। इसके बाद में यहाँ से हमारा जो गीजर लगा है, गीजर का ये एक प्लग है, पैनल के साइड में आपको एक सॉकेट है, उस सॉकेट के ऊपर इसको लगा देना है। सारी चीज़ पानी भर गया, हमारा ये गीजर इससे कनेक्ट हो गया, सेंसर इसमें छूट गया, हमारा पंप भी इसके अंदर चालू हो गया है। अब आता है हमारा इसको सप्लाई देने का। ये हम इसको सप्लाई देंगे, हमारे पास में एक एक्सटेंशन यूनिट है सप्लाई की, उसके ऊपर हमने अपना ये पावर प्लग इंस्टॉल कर दिया। इसको इस इस एक्सटेंशन को आप साइड में रख दीजिए। इसके बाद में अब हमारा ये एमसीबी जो अभी तक ऑफ था, हमने इसको ऑन किया। इसके बाद में हमारा इसके ऊपर एक कंट्रोल स्विच लगा हुआ है और इस कंट्रोल स्विच को हम जीरो पोजीशन पे देखेंगे पहली बार, इसके बाद में हम इसको पोजीशन वन पे ऑन हो जाएगा। ये जैसे ही हमने इसको ऑन किया, ये पोजीशन वन पे ऑन होगा, हमारा इसके ऊपर डिस्प्ले आ जाएगा। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये कंट्रोल यूनिट जो इसका ये इक्विपमेंट लगा हुआ है, ये ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है, आपको इसके पैनल को कुछ नहीं छेड़ना, कोई बटन इसके ऊपर जो लगी हुई है ये नहीं छेड़नी है, इनको नहीं छेड़ना, ये प्रॉपरली प्रोग्राम्ड है। इसके बाद में हमारी सप्लाई चालू होने पर हमारा पंप जो चलेगा, इधर गीजर चलेगा, ये सारा अपना काम करना शुरू कर देंगे। और जब टेम्परेचर इसका 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा सारा इक्विपमेंट। फिर जब हमारा टेम्परेचर डाउन 39.5 पर होगा, उसके बाद ये दोबारा फिर चालू हो जाएगा और इसी तरह से ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहेगी, इसका टेम्परेचर मेंटेन होता रहेगा। जब आप इसको यूज करने के बाद में बाहर निकलें और अपना तो इसको सबसे पहले यहाँ से बंद करिए, यहाँ से ऑफ हो गया। अब इसका मतलब है कि हमारा सारा सिस्टम ऑफ हो चुका है, कंट्रोलिंग सिस्टम, लेकिन इसके अंदर सप्लाई अवेलेबल है, बिजली इसके अंदर है। उसके लिए हम इस एमसीबी को भी ड्रॉप कर सकते हैं।
अब ये सिस्टम हमारा बिजली इसके आगे सब जगह बंद हो चुकी है, लेक और आपका जो प्लग जो हमने दिखाया था लगा हुआ है वहां से लेकर के सप्लाई है, आप उसको हटा दीजिए। बाकी आप इस पॉइंट का इस्तेमाल केवल मोबाइल फोन चार्जिंग या किसी ऐसे हल्के फुल्के इस्तेमाल में ही रखना है, लैपटॉप यहाँ हमने कोई बहुत हैवी कंजम्पशन वाली चीज नहीं लगानी है, ये पावर पॉइंट के लिए नहीं बना है, ये बहुत ही लाइट चार्जिंग लैपटॉप चार्जिंग केबल चार्जिंग उसके लिए है। अभी कई लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें पानी भरा हुआ है, हमें कोई बिजली से कोई झटका ना लग जाए किसी तरह का, तो मैं आपकी जानकारी के लिए ये बात बता देना चाहता हूँ, हमने पूरी तरह से आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी बिजली शॉक प्रूफ इसको बनाया है और सारे मेजर्स जो भी हैं यूज किए हैं। और उसमें एक चीज़ और मैं बोल रहा हूँ जो हम पहले भी बताइए कि अगर आपके घर पे अर्थिंग है, सिस्टम अर्थिंग प्रॉपर है तो बहुत ज़्यादा बेहतर है, आप अपने इसके अंदर अर्थिंग के कनेक्शन भी हैं जो आपके सिस्टम से जुड़ जाएगा। और अगर शॉक प्रूफ है पूरी तरह से, क्योंकि हमारे इसमें जो पंप लगा है वो भी डीसी का है, 12 वोल्ट डीसी है जो आपको बिल्कुल नहीं लगेगी, हाँ इसमें 240 वोल्ट एसी पे ऑपरेट हो रहा है, उससे आपके पानी का कोई संबंध नहीं है, फिर भी हमने वर्स्ट कंडीशन में किसी तरह इस पैनल से यहाँ से वहाँ इधर से किसी भी तरह अगर बिजली हमारे पानी तक पहुँचती है तो ये सिस्टम ऑटोमेटिक ट्रिप कर जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपको झटका लगा या नहीं लगा, उससे पहले ये विद इन ए माइक्रो सेकेंड्स में ये ऑपरेट हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन में अगर कोई इशू आता है तो आप हमारे कस्टमर केयर पर प्लीज कॉल करिए, हम आपको बता देंगे और कि इसको कैसे दोबारा से चालू करना है, उसके लिए हमारे कस्टमर केयर के नंबर आपको दिए हुए हैं, प्लीज इन पर कॉन्टेक्ट करना, अपने एंड से कोई इसके साथ छेड़छाड़ ना करें। और एक चीज़ और बता दूँ कि जो इसके ऊपर ये पैनल लगा हुआ है, इस पैनल की ये बटन्स का कोई छेड़छाड़ आप ना करें, ये प्री प्रोग्राम्ड है, हमने इसमें प्रोग्राम लोड कर रखा है और उसको प्रोग्राम किया हुआ है, अगर छेड़छाड़ करने पर इसका प्रोग्राम डिस्टर्ब हो सकता है जिससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सक दिक्कत हो सकती है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको ना छेड़ें। तो दोस्तों जैसा सर ने आपको बताया कि इस सेंसर की मदद से जो थर्मोस्टेट यूनिट है वो इसका टेम्परेचर मेंटेन करेगी एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और जब आपने इस्तेमाल कर लिया है इसको, इसी पंप की मदद से आप इस पानी को, इस टब को खाली कर सकते हैं। ये जो हमने इसमें कनेक्शन लगाया था, यहाँ एक पाइप लगेगा सर, मैं सही बता रहा हूँ, इसी इसको हटा के राइट एक दूसरा पाइप आप इसमें लगाएंगे और जो भी ड्रेनेज आपके इसके सेटअप के नजदीक है आप वहां पे उस पाइप को छोड़ दीजिए। और उस वक्त एक चीज को ध्यान रखना, जो हमारा ये इसके अंदर गीजर लग रहा है, इसका जो प्लग है साथ में इसके साथ जुड़ा हुआ है, उसको हटा देना है जब आप इसके डीवाटरिंग इसको करेंगे, इसका पानी निकालेंगे, ताकि हमारा ये वर्किंग से बाहर हो जाए। करेक्ट, इस बात का बहुत ध्यान रखना है जो सर ने कहा है कि हम इसको ऑफ करेंगे, ये गीजर ऑफ हो जाना चाहिए तब हम इस पानी को ड्रेन आउट करेंगे। और ये सारा सेटअप हमारा इंडोर सेटअप है, इसको हम बाहर नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो ये पैनल है, मान लीजिए आपने बाहर रखा है, बारिश हो गई कोई और वजह से, इसमें पानी नहीं जाना चाहिए, ये पानी से हमने इसको बचाना है अपने पैनल को। अगर पानी गया तो ये टोटली इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, हाई सेंसिटिव इक्विपमेंट्स इसके अंदर लगे हुए हैं, और पानी जाने पर ये पूरी तरह से डैमेज हो सकते हैं, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, इसलिए उस चीज से हमें इसको बचाना पड़ेगा। हमें ना इसके ऊपर पानी बारिश का गिरना चाहिए, ना ही हमें इधर से पानी इसके ऊपर भेजना है। इन नेचुरली हम इलेक्ट्रिकल कोई भी इक्विपमेंट यूज करते हैं तो उसको पानी से बचा के रखना, ये भी एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जिसमें पूरी तरह से जो सेंसिंग यूनिट्स लगी हुई हैं
उनको पानी में नहीं, हाँ, इससे पानी नहीं गिरना चाहिए, नहीं करना दोस्तों। ये जो गीजर आपने अपने नजदीक से जहाँ से भी परचेज करा है, इंस्टेंट गीजर, तो अक्सर जो हम लोगों का भी एक्सपीरियंस है, तकरीबन आपको 4 से 5 घंटे लगेंगे इस 18 इंच तक के पानी को 40 डिग्री के टेम्परेचर पे लाने के लिए। ये 4 से 5 घंटे कहीं थोड़ा कम भी हो सकता है, थोड़ा सा ऊपर हो सकता है, डिपेंड करता है। आप अपने गीजर का भी यूज़ कर सकते हैं, एम्बिएंट टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कि जहाँ पर मिस्टर टब का यूज हो रहा है उस जगह पर हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर क्या है, उसकी कंडीशन पर इसका जो टाइमिंग है डिपेंड करेगी, ये घट सकती है बढ़ सकती है। हाँ, अगर किसी को इसको जल्दी यूज करना है तो आपके घर में कोई भी दूसरा गीजर लगा हो, आप उस गीजर से गर्म पानी डाल के इसमें डाल सकते हैं, जिससे हमारा इसकी टाइमिंग को घटाया जा सकता है। या फिर कई लोग को गीजर नहीं है, गैस चूल्हे का किसी तरह का इस्तेमाल करते हैं, उस पर भी कुछ पानी को गर्म करके इसके अंदर इसके टेम्परेचर को ऊपर लाने के लिए, जल्दी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और वो चीज़ इसमें अलग से डाल सकते हैं गर्म पानी को, जिससे इसका टेम्परेचर जल्दी ऊपर आ सकता है। अदरवाइज इसमें जो ये सिस्टम लगा हुआ है वो उसी चीज़ को ध्यान में रख के लगाया गया है, ताकि आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बिजली की सप्लाई का भी इस्तेमाल नहीं करता है। छोटे मीटर भी लगे होंगे उन पर भी ये चल सकता है, बड़े मीटर पे चलने तो नहीं छोड़ेंगे, कोई उसका इशू नहीं है। हाँ, छोटे मीटर पर भी आप इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं, इसलिए इसको बहुत सोच समझ के इस चीज़ को लगाया गया। इस बाथटब में जब आपने सब कुछ असेंबल कर लिया है और आपका पानी का टेम्परेचर आ गया है 4 से 5 घंटे के बाद रिक्वायर्ड 40 डिग्री सेंटीग्रेड, तब आप इसमें बैठ सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि जो हमारा सर की साइड है, सिरहाना, वो हमने उधर रखना है, जहां सर खड़े वो हमारा हेड की पोजीशन रहेगी और लेग्स की पोजीशन रहेगी ये पैनल की तरफ वाली। तो ये बेसिक सी कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखते हुए इस वीडियो को आप कई दफ़ा देखिएगा, ताकि कोई भी इंस्ट्रक्शन मिस ना हो हमारी। और इस बाथटब के साथ इस पूरे स्ट्रक्चर को, पैनल को, गीज़र को किस तरह से आप इस थर्मोस्टेट को कैसे आसानी से अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल में ले सकते हैं, इस डायलिसिस टब को, तो आप प्लीज़ इन इंस्ट्रक्शंस का ध्यान रखिएगा। एंड इसके साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।